एक स्कूल बच्चे के लिए टीचर ने कर दी ऐसी बात जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। जनता ने कर दी जेल में डालने की मांग। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक टीचर जिसके ऊपर बच्चों को शिक्षा और तालीम देने की जिम्मेदारी होती है, वो ही टीचर बच्चों को धार्मिक पहचान के आधार पर सजा देती है। टीचर को लेकर कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि टीचर को लेकर सभी के मन में बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट होती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कहा कि इसने तो बची कुची इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। इस वीडियो में एक टीचर क्लास के एक नाबालिग बच्चे को क्लास के अन्य बच्चों के सामने पिटवाने की सजा देती है और वीडियो में साफ साफ कह रही है कि मैंने तो अपनी ड्यूटी बना ली है कि मुसलमान के बच्चों को हिंदू के बच्चों से पिटवाऊं। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि क्लास के एक एक बच्चे आकर उस बच्चे को मार रहे हैं और टीचर बोल रही है कि इतना धीरे क्यों मार रहे हो, थोड़ा तेज मारो, और बच्चा वो चाटे खाकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जनता में भारी आक्रोश हो गया है। जनता उस टीचर को जेल भेजने की मांग कर रही है। एक यूजर ने लिखा, भारतीय स्कूल में एक महिला शिक्षक से मिले जो हिंदू बच्चों से मुस्लिम बच्चे को पिटवाने के लिए कह रही है। ये कहती है कि उन्होंने ऐसा करना अपना कर्तव्य बना लिया है, इस पर रोक कब लगाई जाएगी। एक और यूजर ने लिखा, महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगले यूजर लिखते हैं, ये वीडियो कहाँ का है हमें बताइए, ये वीडियो का पता लगते ही उस टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। एक और यूजर ने लिखा, चांद पर पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकी सोच गटर से भी नीचे है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, मासूम बच्चे के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिससे भारत के कोने कोने में आग लग रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। बात प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी लिखती हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हों या नफरत की चार दीवारी खड़े करने वाली बातें। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। असदुद्दीन अवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पिता का मानना है कि उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है और उन्हें इस बात का डर है कि माहौल खराब हो जाएगा। CM योगी जो अपराध करेगा उसे ठोक दिया जाएगा, ये आपकी नीति है ना? तो अब ऐसा क्यों है कि पुलिस इस टीचर को जाने दे रही है? इस बच्चे के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और उनकी नफरती सोच है। इस मुजरिम को शायद आप लखनऊ बुलाकर पुरस्कार से नवाजेंगे। उसके बाद ओवैसी ने भाजपा को निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया, भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने एक छोटी सी बात पर एक स्कूल पर बुलडोजर चला दिया था। यह एक बच्चे को उसके मजहब की बुनियाद पर पीटा जा रहा है और एक कड़ी निंदा वाला ट्वीट तक नहीं आया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था, और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से, और ये जो हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम हैं। वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा उनका, अब मैं विकलांग हूँ, फिर से उठा नहीं गया, और ज़्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज़्यादा ही वो किया क्योंकि 2 महीने से एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे 2-4 बच्चों से उसको कहा कि 2-4 बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा।